तो एल के पी फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड ऑडिटेड स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ई डेटा को छोड़ करके तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं सो डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली नाइन पॉइंट का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सेप्टेम्बर ट्वेंटी के क्वार्टर एंड डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्वार्टर से

ट्वेंटी की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 89.46 परसेंट एंड अगर दिसंबर 2021 की क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी ने खर्च किया था मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है दिसंबर ट्वेंटी की वो नेगेटिव में निकल के आ रही है तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो डिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली सिक्स पॉइंट जीरो का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड डिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली 7.16 पॉइंट वन का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अगेन पॉजिटिव में निकल के आ रही है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो अगेन नेगेटिव में ही निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 के टू ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.81 की सितंबर 2022 के टू ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.71 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 5.7 की तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50 परसेंट ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर की पॉजिटिव में है एंड 50 परसेंट ग्रोथ नेगेटिव में है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इंटायर ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को तो ओवरऑल जो कंपनी की दिसंबर क्वार्टर लेकर रिजल्ट निकल के आ रही है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन दिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ